हमारे साथ श्रीमान गोपाल जी भाई साहब जुड़े हैं जो विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में जिला मंत्री हैं। सारी विकृतियों को रोकने के लिए, सनातन को जिंदा रखने के लिए संगठन ने विश्व हिंदू परिषद के नाम से एक संगठन निर्माण किया था जो आज विश्व में धार्मिक सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। आपने बजरंग दल की भी बात की, तो बजरंग दल जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि बजरंग दल यानी कि खूंखार, लोग कहते हैं कि भाई ये तो एकदम दूसरे टाइप का है, सीधा ताबड़तोड़ लड़ाई भिड़ाई, ये एक मतलब विचारधारा बनी हुई है। अरे भाई, कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ देंगे क्या? छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ेंगे ना, छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिसने हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखी उसकी आंख निकाल लेनी चाहिए। ये अगर मैं अब्दुल हूं तो अब्दुल बता के बात करूं ना, रोहित बन के अगर मैं बात करूंगा तो फिर तो चीटिंग है ना। आखिर जागरूक हम नहीं कर पा रहे या हमारी बेटियां इस चीज को नहीं समझ पा रही? आपने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाओगे? आपने बेटे को अमेरिका भेज दिया, यहां टप्पू पप्पू चप्पू इनसे देख रहे हो कि आग लगाने के लिए आ जाएं? पहले तो मैं ऐसे माँ बाप को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दो, इनके यहाँ पर हर चीज़ की प्लानिंग होती है। जी देखो, आप यदि गलत दिशा में जा रहे हो, अगर सरकार ने निर्धारित की है कि 20 की स्पीड रहनी चाहिए, 80 चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा ही ना भाई। आप सनातन को गाली दे रहे हो, मैं सुन लूँगा और सुन लेंगे, क्या पता कोई सन की निकला है और उसने ठोक दिया उसे तो क्या होगा? तो केजरीवाल जी भी थे। नहीं 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 यार, देखो दो चीज़ें हैं जी। देखो, लोगों के अंदर एक गंदी आदत है कि वो अपने स्वार्थ के लिए सोचता है कि यदि मेरी पत्नी को, अगर प्रेग्नेंट है मेरी पत्नी, उसको बच्चा हो तो लड़का हो, और मेरी अगर भैंस प्रेग्नेंट है तो पड़िया हो यानी फीमेल हो, तो वो अपने हिसाब से सोचता है ना। तो ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए यार, रियल वाली देशभक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल सबके विषय में सोचते हैं। मैं कोई चुनावी कोई इलेक्शन विलेक्शन के मतलब से नहीं, लेकिन कुल मिला के ठीक ही है। और अगर कुछ किसी को गलत लगता हो तो गलतियां तो घर में माँ बाप से भी हो जाती हैं सीधी। पर आप कैसा देखते हैं राम मंदिर, आप दर्शन भी करके आए हाल ही में, तो मतलब कैसा लगा आपको? देखो बहुत दिव्य है, दिव्य भव्य बना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। लोग 70 मुंह 70 बातें, जिसे मौसम का काका महीनों के हिंदी के महीनों के नाम नहीं पता होंगे ना, वो मौसम वैज्ञानिक बन जाता है, ठीक है ना। जैसे सनातन का सा नहीं पता होगा वो ज्ञान देने लगता है कि फलानी मुहूर्त में नहीं किया। अरे छोड़ो ना, तुम्हारे करने का काम थोड़ी है, वहाँ एक से एक प्रकांड पंडित बैठे हुए हैं, वो देखेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये विषय ये है कि 500 सालों के बाद भगवान राम अपने घर में आए थे, पूरा देश का जो उत्साह था वो देखने लायक था, और पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, मैंने अकेले नहीं पूरे विश्व ने देखा। ऐसा कोई घर रहा हो उस दिन जिस दिन एक त्योहार ना मनाया हो। मंदिर की जगह औषधालय बनाइए, विद्यालय बनाइए, ऐसा कहने वालों को क्या कहेंगे आप? जो कह रहे थे उन्होंने बना तो रखे हैं दिल्ली में, बहुत तेरे गधे घूम रहे हैं उनमें, मोहल्ला क्लिनिक ऐसे औषधालय बनाते। अरे अगर कल को, चलो खैर, लेकिन कुल मिलाकर ठीक नहीं है, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर तुम औषधालय बनाने की बात कर रहे हो तो कभी मक्का में बनाने की बात कर सकते हो? वेटिकन सिटी में बनाने की बात कर सकते हो क्या? तुम नहीं कर सकते ना। सबके एक आस्था का केंद्र है, सनातन की आस्था का केंद्र वो है, उसका सम्मान तुम नहीं करोगे, मत करो, वोटों के लालच में नहीं करते हो। देखो जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ आजकल, ये चैनल दिन दूना रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एक साल के अंदर चैनल को लोग पूछने आया करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा दिखना चाहिए। आप सुन रहे थे अभी
विश्व हिंदू परिषद के नंद नगरी जिले के जिला मंत्री श्रीमान गोपाल जी भाई साहब को जिस प्रकार से सनातन संस्कृति और संस्कार पर हर तरीके से एक स्पष्ट और एक प्रखर आवाज के साथ और पूरी बुलंदता, ऐसा नहीं कि जैसा भी लास्ट में कहा भी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि कोई भी दिखावा या कोई लांग लपेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही रखा बातों को जिस प्रकार आज देश की स्थिति है, ऐसी तमाम चर्चाओं पर और सनातन संस्कृति संस्कार की चर्चाओं पर बने रहिए युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर।